नेक्स्ट वन ये हमारा टॉपिक है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमें ये बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है एंड देन उसकी हमें प्रॉपर्टीज वहाँ को एक्सप्लेन करनी है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, नेम से ही लिखा गया है, टू वर्ड्स है, इक्यू एंड पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल। कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, दैट आर नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिले तो उसे क्या बोला जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपको मालूम है पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, डिस्टेंस पे। तो इसका मीनिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होगा जिसका चार्ज से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, तभी उसका पोटेंशियल क्या होगा, कॉन्स्टेंट। अब यहाँ प्रॉपर्टी समझें, इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी कहती है, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला कि अगर हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हमें जो वहाँ पे वर्क डन मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो। अब उसे समझो कैसे, हमने मान लिया हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने उस पर दो पॉइंट ऐड कर लिए ए एंड बी। अब मुझे चार्ज एक पॉइंट से कहाँ लेके जाना है, बी पॉइंट पे। जब हम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाएंगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वी वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एट वी एंड वी ए स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एट ए। और ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज, वर्क हमने कहाँ से कहाँ किया है, ए से बी। अब चेक करो हमने अभी क्या बोला, इक्विपोटेंशियल क्या होता है, जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इसका मीनिंग उस सरफेस में मुझे कभी भी पोटेंशियल की दो वैल्यू नहीं मिल सकती, या तो वी 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 ए के इक्वल होगा या वी ए वी वी के। तो इसलिए अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो, डिफरेंस करके। अगर इसका आंसर डिफरेंस करके जीरो आया तो वर्क भी कितना होगा, जीरो। दैट इज़ द रीज़न कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमारा हमेशा जीरो रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी बोल रही है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमें ये बताना है कि जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग सरफेस में और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का। अब ये समझो कैसे होता है, अभी से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो हमारे पास जहाँ लिखी गई है, हमने अभी रिलेशन किया, वी नो दैट डी डब्ल्यू पॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई डी आर। ये हमने जो अभी रिलेशन प्रूव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का। अब हमने अभी क्या बोला कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क कितना होता है, जीरो। तो अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन में वर्क कितना कर दें, जीरो, तो ई डी आर कितना हो जाएगा, जीरो। अब हमें यहाँ क्लियर है कि ई डी आर डॉट को हटाओ तो एंगल लगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जीरो कब होगा, वेन थीटा इज 90। इसका मीनिंग ई और डी आर में एंगल कितना बनेगा, 90। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस की क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। नेक्स्ट वन थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें इंडिकेट करती हैं कि कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पे फील्ड वीक है। उसे कैसे प्रूव करना है, हमने ये रिलेशन किया इक्वल टू माइनस डी वी पॉन डी आर, तो यहाँ से आ सकता है डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी पॉन ई। बट हमें मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है, तो हम डी वी को कॉन्स्टेंट कर देंगे, तो ये इसी फॉर्म में लिखा जाएगा डी आर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई ई। अब हमें यहाँ दिख रहा है ई डी आर के क्या है, इनवर्सली। इसका मीनिंग ई स्ट्रांग होगा जब डी आर स्मॉल होगा, तो समझ आ गया, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेंगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएंगी। तो ये हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट कर देंगे कि कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पे फील्ड वीक। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो इंटरसेक्ट करने पे एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यू आ जाएंगी, पर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जिसके पास पोटेंशियल की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। सो दैट दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी इक्विपोटेंशियल।